ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्रवण करेंगे दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू मूसक रता नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, आपसे मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सत्ययुग में सौ यज्ञ करने वाले एक प्रथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्वान्त उनके चार पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृग्रह में भी इस पुण्यदायक शुभदायक व्रत को किया है। अतः कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने व्रत रहने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन हैं? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फल स्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधु भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधु प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर वासिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्निहित हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर
दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही ना रही थी, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे ध्वजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महत्व है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी दोनों नर्मदा नदी के किनारे बैठकर समय व्यतीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती और शिव जी ने चौपड़ खेलने का मन बनाया। दोनों खेल तो खेल लेंगे, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि किसने खेल को जीता है और किसने खेल को हारा है। इसलिए शिव जी ने वहाँ से कुछ तिनके उठाकर एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान फूंक कर एक बच्चे का रूप दे दिया। शिव जी ने उस बालक से कहा कि हम इस चौपड़ को खेल रहे हैं, तुम इसका निर्णय करना कि किसने इस खेल को जीता है। उस बालक ने इस बात पर हाँ कर भर कर दोनों के खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने तीन पारियां खेली और तीनों बार माता पार्वती विजेता रहीं। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ तो माता पार्वती ने और शिवजी ने उस बालक से निर्णय करने को कहा। उस बालक ने शिवजी को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती गुस्सा हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया और कहा, तुम कभी अपने पैरों से चल नहीं पाओगे और कीचड़ में पड़े रहोगे। फिर जब बालक को गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी और कहा, माता, इस निर्णय में मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, यह मुझसे गलती से हो गया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्या आएंगी, तुम उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। इतना कहकर शिवजी और माता पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों बाद वहाँ पर नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। उस बालक ने उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर 21 दिनों तक व्रत किया। जब व्रत सफल रहा तो गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने मांगा कि वह अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता है। गणेश जी उसको वरदान दे देते हैं। जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचता है तो शिव जी अकेले बैठे रहते हैं। उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी माता से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उस वक्त माता पार्वती शिव जी से रुष्ट थीं। इसलिए शिव जी ने उस बालक से पूछा कि तुम ठीक कैसे हुए। जब बालक ने व्रत की विधि शिव जी को बताई तो शिव जी ने 21 दिनों का व्रत किया, तो इसके उपरांत माता पार्वती स्वयं चलकर उनके पास आईं। माता पार्वती ने शिव जी से कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत रखा है। माता पार्वती ने भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाहिर की और 21 दिनों तक श्री गणेश जी के लिए व्रत रखा। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं चलकर माता पार्वती के पास आई और उनसे ऐसा होने का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय को गणेश व्रत पूजा की विधि बताई। कार्तिकेय ने इस व्रत को महर्षि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने 21 दिन के व्रत के बदौलत ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। बोलो गणेश भगवान की जय।